मॉर्निंग कैसे आप लोग क्या हाल चाल लेट्स जो इन द क्लास क्विकली ना और वीडियो को हम शेयर कर देते हैं ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें वेट करते हैं एक मिनट जब तक बाकी लोग भी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अ वेरी प्लीज शेयर द क्लास लिंक ना इन द टेलीग्राम ग्रुप्स आजकल मैम पंचुअल हो गई है टाइम से क्लास आती है आप लोग लेट लतीफ होते जा रहे हैं ओके okay, अच्छा जो भी हम मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस मतलब क्लास में देते हैं तो आप में से कोई लोग प्रैक्टिस करता है क्या उसको या प्रैक्टिस किया करो एटलीस्ट कम से कम उसके एक ब्लू प्रिंट कर लिया करो सर्टीन पॉइंट्स को याद कर लिया करो जो उस क्वेश्चन के आंसर में आने चाहिए मतलब अगर एक प्रॉपर आंसर नहीं भी लिखते हो तो भी एक स्ट्रक्चर कम से कम सोच लिया करो कुछ पॉइंट्स सोच लिया करो कि ये पॉइंट इंट्रोडक्शन में आ सकता है ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस तरह से व्यू फॉरवर्ड लिखा जा सकता है तो इतना तो कर ही लिया कीजिए वेरी गुड मॉर्निंग शीतल गुड मॉर्निंग दामोदर दामोदर आपका नाम मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे दमदार वर्ड याद आता है वेरी गुड मॉर्निंग नमिता ओके सेवन थर्टी वन भाई जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं फिर गुड मॉर्निंग भाव्या कैसे हैं आप लोग कैसी चल रही है पढ़ाई गुड मॉर्निंग यूपीएससी मतलब इट्स सेल्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को गुड मॉर्निंग हाँ मतलब जैसे अपने खुद के आंसर को चेक करने का एक बेस्ट तरीका यह है जिस दिन आपने आंसर लिखा है उसको उस दिन चेक नहीं करना है राइट अगले दिन आप उसको चेक कीजिए तो क्या होना चाहिए आज आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है उसको आप कल चेक करेंगे और कल आप अपने नए क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे देन उसके अगले दिन आप चेक करेंगे क्योंकि देखो आपने आज ही क्वेश्चन लिखा है तो आपके माइंड में वही पॉइंट्स फ्रेश हैं जो आपने ऑलरेडी आंसर शीट पे लिखे हैं। जब आप एक दिन बाद फिर से उस क्वेश्चन के आंसर को देखोगे तो आपके माइंड में कुछ नए पॉइंट्स आ चुके होंगे कुछ नए आर्ग्यूमेंट आ चुके होंगे और जब आप अपने एक दिन पुराना पढ़ा हुआ मतलब चेक करोगे तो आप प्रॉपरली जज कर पाओगे तो कई बार हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आंसर राइटिंग को हम सेम दिन इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं उसमें भी जैसे ही आंसर लिखा है तुरंत ही आपने जैसे ही आंसर लिखा है वैसे तो यू ऑलरेडी नो ना कि वही पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे वही मैंने लिखे उन्हीं के बेसिस पे मैं चेक करूंगा या करूंगी तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप अगले दिन चेक करें राइट गुड मॉर्निंग आशा गुड मॉर्निंग भावना गुड मॉर्निंग रॉय गुड मॉर्निंग हेलो मनोज मॉर्निंग फिरदोश विष्णु प्रिया वेरी गुड मॉर्निंग चलिए ठीक है तो आप लोग जल्दी आ गए तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं यू आर वेरी गुड एक्सपीरियंस ठीक है ये पंचुअलिटी बहुत लाइफ में आगे लेके जाएगी तो दिस इज़ अबाउट मी मेरा नाम है प्राची और मैं आपका सुपर कोचिंग चाहना आइए सुबह टेस्ट बुक में बहुत स्वागत करती हूँ हम रोजाना मिलते हैं सुबह साढ़े सात से साढ़े आठ बजे द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में जिसमें हम ना फिर ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं अगर हमारा प्रिलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मुझे कोई आर्टिकल ऐसा लगता है जिसमें मुझे आपको डाटा वगैरह दे देना चाहिए जो आपके मेन्स आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा तो वो भी डिस्कस करते हैं साथ में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर हम एक बातचीत करते हैं

आज सुबह साढ़े चार पांच बजे के बीच में मैंने एक शेयर की है है ठीक तो कुछ लोगों ने देखी भी थी That means वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और इसके अलावा ये का वीडियो हो गया। एक वीकली करंट का, वीडियो आता है। बर्निंग का एक जो है वीडियो आता है। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर को ऑन डेली बेसिस कम्प्लीट पढ़ लेते हैं जितना भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा चलिए तो हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या जो है आ, बेसिकली पढ़ने वाले हैं तो देखिए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक झगड़ा फिर से जो है उठा रहा है basically क्या है झगड़ा क्या देखिए आंध्र प्रदेश का बाफिकेशन करके हमने तेलंगाना एक नया राज्य बनाया राइट और बहुत सारी चीजों का बंटवारा होता है जैसे घर में बंटवारा नहीं होता तो बर्तन का और मतलब हर चीज का बंटवारा हो जाता है राइट फ्रिज किसके पास जाएगा टीवी किसके पास जाएगा मतलब सेम काइंड ऑफ थिंग वैसा ही कुछ राज्यों के बीच में भी होता है एक्चुअली क्योंकि राज्यों के बीच में तो मोर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे ऐसे चीजें जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है राइट right? तो उनका बंटवारा कैसे होगा इस चीज को लेके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक जो है डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है हाल ही में आंध्र प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है इससे पहले होम मिनिस्ट्री के द्वारा दोनों स्टेट के साथ मीटिंग्स की गई थी बट मीटिंग्स का एसच कोई रिजल्ट नहीं आया तो आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कौन कौन से बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं वो या उन प्रॉपर्टीज की क्या क्लासिफिकेशन है जिनका बंटवारा होना है और इसी में दो को समझेंगे इसमें जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है उसकी क्या पावर है राइट और आंध्र प्रदेश क्या कह रहा है और तेलंगाना क्या कह रहा है दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट क्या है वो देखेंगे साथ ही एक कमेटी का नेम इसमें आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट आपके प्रिलिम्स के लिए भी और मीनस के लिए भी राइट

फेंच के बाद द यूनियन गवर्नमेंट सेंस आउट अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और क्योंकि ये अभी आर्टिकल चर्चा में रहने वाला है तो मैं देख रही हूँ कि इस थीम के आसपास द वर्ड यूनियन एंड द वर्ड शेयरिंग ऑफ पावर्स राइट इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जो है आ सकता है तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एंड सेम चीज़ जब आप अपनी पॉलिटी में पढ़ेंगे तो प्लीज ध्यान से पढ़ना राइट right? है ये इंपॉर्टेंट है देन लेसन फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन वॉर तो सेम बातें जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं जो एक अमेरिका का हजमनी स्लिप कर रहा है चाइना का जो द ड्रैगन इन द रूम बेसिकली बाहर निकल के आ रहा है ठीक है और किस तरीके से यूक्रेन के अंदर रशिया को ब्लीड करने में वेस्ट जो है अपना पूरा का पूरा रिसोर्सेस खर्च कर दे रहा है और अभी तक एक क्या जियोपॉलिटिक्स रही थी एक यूनिलेटरलिज्म का जो अब एंड हो रहा है उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर फिर से हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते भी हैं कुछ नए की वर्ड्स कुछ नए कोट, कुछ नई वर्ड्स पता चलेंगे उनको ध्यान से देख लेंगे करेक्ट है देन इसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में सेलिब्रेट हुआ इंडियन डायस्पोरा को बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं कितना वर्ड यूज हो गया ना ठीक है तो हम इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल हैं कब से मनाना स्टार्ट किया इसमें क्या चेंजेस आए इस बार वाले की थीम क्या थी देन जो प्रवासी भारतीय उनको लेके डेटा क्या है किस किस कंट्रीज में है राइट फिर रेमिटेंस को लेके क्या है तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एंड ये आर्टिकल बेसिकली पीआईबी से मैंने उठाया है ठीक है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज दी गई थी तो वहां से मैंने इस आर्टिकल को उठाया है ओके okay, एवरीवन तो यहाँ तक तो आसान है चीजें uh, आप सबको गुड मॉर्निंग जो थोड़ा सा बाद में आए हैं है, है ना और जिनको मैंने बेसिकली विश नहीं किया है तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वेलकम टू द क्लास और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है ठीके? मनोज टेस्टबुक बुक सुपर कोचिंग पे अभी मेरी योजना की क्लासेस आती है तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जाओगे वहाँ पे करंट अफेयर वाला सेक्शन में आप जाओगे तो योजना मंथली मैगजीन जो है वो मैं वहाँ पे कवर कराती हूँ और अभी कुछ कंफर्म नहीं है बट आने वाले दिनों में शायद मेरी एंगेजमेंट्स आपको वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगी आई कैन नॉट प्रोमिस यू बट uh, हो सकता है क्योंकि देखो टाइम का भी थोड़ा इशू है और आप लोग यार पढ़ाई कैसे करते हो लाइक टेबल चेयर पर बैठ के आपको क्या बैक पेन का इशू हो रहा है क्या मुझे बहुत हो रहा है मतलब सीरियसली आई एम स्ट्रगलिंग विद माई बैक पेन चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं तो अब आप में से एक्चुअली कल भी मेरे टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था कि उनको सुपर कोचिंग के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था तो मैंने उनको रिप्लाई बैक भी किया राइट कि आप डिटेल में अपना प्रॉब्लम बता दीजिए मैं टीम तक आपका मैसेज भेज दूंगी एंड देन वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम तो ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूँ देखो अगर आप हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो तो नॉट मी सारे फैकल्टी जो है आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं आप हमें पर्सनल टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हो तो हम रिप्लाई करते हैं सुपर कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर रखा है क्यों क्योंकि ये हमने एक स्टूडेंट सेंटर प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि जिन लोगों को गाइडेंस की जरूरत है जो अपने दो हजार के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो भी तेईस का अटेम्प्ट दे रहे हैं ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है जिन लोगों ने राइट तो उनको कोई भटकाव ना हो हमारा जो एक विजन था सुपर कोचिंग के साथ कि हमें एक गाइडेड मैनर बच्चों को जो एजुकेशन देनी है क्वालिटी एजुकेशन तो उसको हम बरकरार रख पाए ठीक है तो इसलिए देखो ये मैं इस सिलेबस बोल रही हूं कि सुपर कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हो स्ट को बट फैकल्टी के साथ एक पर्सनल टच एक पर्सनल इंट्रैक्शन भी आपको मिलता है लेकिन इन जेन्युइन केसेस राइट तो ये ध्यान रखिएगा तो यहां पर बेसिकली हम दो वर्ड यूज करते द स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफार्म एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन इसका क्या मतलब है देखो हमने जो ये पूरा का पूरा सुपर कोचिंग प्लेटफार्म को डिजाइन किया है इसमें स्टूडेंट की क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स फेस की जाती है क्या उनके डिमांड्स है क्या इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट है क्या एक स्टूडेंट को करना चाहिए उन सारी चीजों को ध्यान रख के ही हमने इसको डिजाइन किया दैट्स व्हाई इट इज सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्टूडेंट सेंट्रिक राइट दूसरा हम क्या बोलते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्योंकि जीएस की तैयारी करनी पड़ेगी है ना कोई तरीका ही नहीं है कि ना करनी पड़े ऑप्शनल की तैयारी करनी पड़ेगी नो no चॉइस पेपर देना ही है ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा फाइनली तो तो जितना भी पढ़ा है दैट इज वन साइड द अदर साइड इज द प्रैक्टिस मोक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मीन आंसर राइटिंग करना पड़ेगा राइट तो वो सारी चीजें कहा है वो सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसे गवर्नमेंट लेके आती है ना सिंगल विंडो एक, एक प्लेटफॉर्म कि आपको कोई भी क्लियरेंस चाहिए कोई भी लाइसेंस चाहिए आप कोई भी अनुमति लेना चाहते हो सेम जगह से हो जाएगा सेम तरीके से हमने भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है राइट और दूसरा यहाँ पे क्या एक यूएसपी है जो बेस्ट टीचर्स माने जाते हैं यूपीएससी के एरिया में द रिनाउम सुपर टीचर्स उनके द्वारा आप यहाँ पे पढ़ते हो तो फिर डाउट का कोई चांस रह ही नहीं जाता है ठीक है फीस का भी कंपैरिजन करोगे तो इट्स ह्यूज गैप है ना अगर ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन जो और कोचिंग्स हैं उनसे आप कंपेयर करोगे बिकॉज हमने ये एक कोचिंग नहीं विजन किया था हमने इसको एक प्लेटफॉर्म एक इनिशियटिव के रूप में विजन किया था देखो फीस इसकी जो टोटल होती है वो होती है फोर्टी थाउजेंड समथिंग के ठीक है तो लेकिन अगर आप फैकल्टी कोड यूज़ करते हो जैसे मेरा नाम प्राची चौधरी है तो प्राची सी अगर आप ये फैकल्टी कोड यूज़ करते हो तो आपको ये डिस्काउंट जो है मिलता है देन आप इसको ट्वेंटी नाइन थाउजेंड समथिंग में परचेज कर पाते हो राइट है कल को आपका कोई भी डाउट है आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वी आर विद यू हम रिप्लाई करते हैं बात करते हैं प्रॉब्लम को बकायदा सॉल्व करते हैं तो ये नहीं सोचना है कि एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर क्या होगा ठीक है तो यू कैन ज्वाइन दिस ठीक है चलिए इसके अलावा हमारे काफी सारे फैकल्टी प्रिया मैम है आकाश सर है किंजल सर अनिरुद्ध सर राहुल सर पवन सर हमारी टीम में आ चुके हैं राइट तो सभी लोगों के द्वारा और मैं तो मतलब हुई आपके सामने खड़ी हूँ ठीक है तो हम सबके द्वारा सुबह से क्लासेस शुरू होती है आई थिंक सेवन थर्टी सबसे पहले मेरी क्लास होती है देन शाम तक क्लास होती रहती है तो उसमें से जो क्लास आपको जैसे काम के लगे उस हिसाब से आप देख सकते हो ठीक है ये कंप्लीटली फ्री इनिशियटिव और यहाँ पे आपके साथ जो है फैकल्टी लाइव इंटरेक्शन करते हैं तो अगर कोई भी सुपर कोचिंग से रिलेटेड डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आई विल रिप्लाई ठीक है चलिए तो ये हुई हमारी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी या द सिंगल विंडो एजेंसी करेक्ट अच्छा मनोज आप किए हो सुपर कोचिंग ज्वाइन दैट्स वेरी गुड ओके चलिए ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल देखो पहला क्या है द स्टीलमेंट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश तो एक बैकग्राउंड देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या था कि भाई एक स्टेट था आंध्र प्रदेश लोगों की मांग उठी हमें हमारे लिए एक नया राज्य चाहिए हमारी एक्सपिरेशन के लिए हमारी अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए फाइनली मांग मान ली गई राज्यों को बाफकेट कर दिया गया ठीक है और दो राज्य बन गए जब राज्य बने तो संपत्ति का बंटवारा एक बहुत बड़ा इशू होता है राइट तो वो जो संपत्ति का बंटवारा हुआ वो हुआ लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रह गए एक कमेटी बनाई गई उस कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी लेकिन दोनों राज्य ही संतुष्ट नहीं है एक चाहता है कि कमेटी के रिकमेंडेशन को पूरा का पूरा लागू किया जाए दूसरा चाहता है कि कमेटी के रिकमेंडेशन क्योंकि तो हमारे हित में नहीं है तो इन पर फिर से विचार किया जाए इसी तनातनी में होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय ने काफी सारे मीटिंग्स किए कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकला फाइनली एक राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है आओ देखते हैं देखो एक रिट पिटीशन जो है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अभी दाखिल कर दी गई है क्यों उन्होंने ये कहा है कि देखो जिस एक्ट के द्वारा जो रीऑर्गेनाइजेशन वाला एक्ट था हम दोनों राज्यों को अलग किया गया उस एक्ट के अंदर कुछ शेड्यूल्ड कुछ अनुसूचियां बनाई गई उन अनुसूचियों में कुछ इंस्टीट्यूशंस के नेम थे राइट right है कुछ इंस्टीट्यूशन के नेम थे वो इंस्टीट्यूशन कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेयरी से रिलेटेड लैंड से रिलेटेड इस तरह के काम जो है करते थे उनका बंटवारा सही से नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जी फेयर

बेसिकली लिखे गए थे उनको एप्रोप्रेशन नहीं किया गया है भले ही हमारा रीऑर्गेनाइजेशन 2014 में हो गया था ठीक है तो भाई उनका ढंग से बंटवारा हुआ नहीं है पिटिशन में स्पेसिफाई किया गया है कि जितना भी ये सारा का सारा मामला अटका है ना जिसमें फिक्स्ड कैपिटल है करीब एक लाख बयालीस हजार करोड़ रुपए का तो ये जो एक लाख बयालीस हजार करोड़ रुपए का फिक्स्ड कैपिटल है दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट तो सुप्रीम कोर्ट जो इसका बंटवारा खींचे ठीक से दिस इज द बैकग्राउंड ये पिटिशन हुई है फाइल ठीक है अब इसमें या साथ में ये भी कहा है आंध्र प्रदेश ने कि देखो जो तेलंगाना है वो बेनिफिट हो रहा है इस नॉन डिविजन ऑफ स्टेट से क्यों क्योंकि जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन्स हैं ना इनमें से जो नाइनटी परसेंट आते हैं वो आ रहे हैं हैदराबाद में देखो किसी भी राज्य में कोई पर्टिकुलर रीजन कोई पर्टिकुलर एरिया कोई पर्टिकुलर सिटी कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा डेवलप हो जाती है एज कंपेयर टू अदर सेम आंध्र प्रदेश में था हैदराबाद इज मोर डेवलप्ड राइट तो अब जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनके हेडकोार्टर्स थे उनके जो ऑपरेशंस होते थे वो जनरली हैदराबाद से ही होते थे तो वो सारे के सारे कहा हैदराबाद में हैदराबाद मिल गया है किसको तेलंगाना को तेलंगाना का वो बन चुका है कैपिटल सिटी राइट तो आंध्र प्रदेश का कहना है ये जो बंटवारा नहीं हो रहा ना इसका फायदा तेलंगाना को है क्योंकि 91 परसेंट जो ऐसे के सारे एसेट है वो आते हैं हैदराबाद में तो प्लीज इसका बंटवारा कर दो बेसिक समझ में आ गया मैप की बात करें तो ये देखो आंध्र प्रदेश है करेक्ट है किससे बाउंड्री लगती है उड़ीसा से लगती है छत्तीसगढ़ से भी लगती है कर्नाटका से लगती है एंड तमिलनाडु से लगती है उसके बाद आपका है तेलंगाना राइट तेलंगाना छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आपस में तो लगती ही है ठीक है थोड़ा सा ध्यान रख लेना करेक्ट हो गया अब देखो न्यूज़पेपर में क्या कहा न्यूज़पेपर ने ये कहा जी आठ साल हो गए हैं दोनों राज्यों को अलग हुए लेकिन जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिविजन था उसको लेकर अभी भी तनातनी चली रही है ठीक है क्योंकि दोनों स्टेट क्या करती हैं जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर प्रोविजंस थे उनके जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने अकॉर्डिंग कर लेती है वूट ना वैसे कर लेती है तो यहाँ पे देखो मीटिंग्स भी हुई लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री बेसिकली कुछ खास कर नहीं पाई है इसलिए आंध्र प्रदेश ने अप्रोच कर लिया है सुप्रीम कोर्ट को अब देखो कौन से एसेट एक्चुअली डिवाइड होने थे तो एक्ट के अंदर कुछ अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में कुछ इंस्टीट्यूशंस के नेम लिखे गए हैं उन्हीं के ऊपर झगड़ा है जैसे एक आपका शेड्यूल नाइन जिसमें नाइनटी वन इंस्टीट्यूशन है एक आपका शेड्यूल टेन जिसमें वन फोर्टी टू इंस्टीट्यूशन है और एक डिवीजन ऐसा है जिसमें बारह इंस्टीट्यूशन है उनको किसी पर्टिकुलर शेड्यूल में नहीं डाला गया ये भैया झगड़े का जो है रीजन बन गया है टोटल मिला के बनते हैं दो सौ पैंतालीस और इनकी संपत्ति बनती है लगभग एक लाख बयालीस हजार करोड़ रुपए की वन पॉइंट फोर टू लाख करोड़ आप सीधे सीधे बोल सकते हो ठीक है तो अब आंध्र प्रदेश सरकार क्या कह रही है तो देखो आंध्र प्रदेश सरकार ये कह रही है कि जो हमने एक कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो करने की बात की थी उस कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाए नाउ द क्वेश्चन इज कौन सी कमेटी तो देखो दरअसल एक एक्सपर्ट एक कमेटी जिसको कि रिटायर ब्यूरोक्रेट थे शीला भिडे उनके द्वारा हेड किया गया था ये फॉर्म की गई थी इस कमेटी ने दरअसल जो 91 है ना ये शेड्यूल 9 के इंस्टीट्यूशंस थे इसमें से 89 के बार के बारे में अपनी क्या है रिकमेंडेशन दी थी भाई एक शेड्यूल था उसके अंदर 91 इंस्टिट्यूट्स थे उसमें से भी 89 का कैसे बंटवारा होगा इसके बारे में कमेटी ने बताया था नाउ कमेटी का नेम इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए भी ठीक है आगे उन्होंने ये कहा कि देखो तेलंगाना ने क्या किया ना जो ये रिकमेंडेशन है ये अपने फायदे को देखते हुए एक्सेप्ट की पूरी रिकमेंडेशन नहीं मानी तेलंगाना ने तो इसीलिए क्या है डिवीजन ऑफ जो एसेट्स था उसमें डिले आ रहा है और हमें है भाई इससे प्रॉब्लम करेक्ट है ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी इसने बेसिकली क्या कहा था तो देखो यहां पे उन्होंने ये कहा था कि जो रिकमेंडेशन दी उन्होंने वो थे डिवीजन ऑफ एसेट डेट आर नॉट पार्ट ऑफ दी हेड क्वार्टर एसेट्स देखो अब ये समझ जाओ हेड क्वार्टर एसेट्स मतलब देखो एक ऐसा होता है ना कि कंपनी का एक प्रॉपर हेड क्वार्टर होता है जहाँ के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं एंड देन कंपनी के बाकी कुछ आप ब्रांचेस कह सकते हो उसके ऑपरेशनल यूनिट्स कह सकते हो ये सब हो सकता है यहाँ पे इस कमेटी ने क्या किया था जो हेड क्वार्टर एसेट्स है है ना उसके अलावा जो इसके पार्ट नहीं थे हेडक्वार्टर एसेट के जो पार्ट नहीं थे उनका भी जो है डिवीज़न किया था ठीक है उनका भी डिवीजन किया था यहाँ पे तेलंगाना की तरफ से क्रिटिसिज्म ये आता है कि हेडक्वार्टर एसेट के अलावा जो इसका पार्ट नहीं थे उनका जो आपने डिवीजन किया है ये दरअसल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के स्प्रिट के खिलाफ जाता है क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बेसिकली जो हेडक्वार्टर एसेट है उसकी जहाँ जैसे लोकेशन है उस लोकेशन के बेस पे जो है बंटवारा करने की बात कही गई है राइट है तो जैसे यहाँ पे आगे देखो उन्होंने कहा एक तो है 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 ना के है। दूसरा है दक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग लिमिटेड यानी कि डी देखो इनके पास ना बहुत सारा लैंड है बहुत सारी जमीन इनके पास है ठीक है इस वजह से ये जो है झगड़े की कीबोर्ड बन गई है राइट है यहाँ पे देखो कमेटी ने क्या किया था जो आरटीसी है उसकी जो वर्कशॉप्स है जो उसके अदर एसेट्स थे जो कि एसेट डेफिनेशन में नहीं आते हैं उनके भी डिवीजन के लिए रिकमेंडेशन दी थी देखो एक है आर एक और चीज है इनके पास बहुत सारी जमीन है जिसके पास बहुत सारी जमीन है उसपे दोनों ही राज्यों की क्या है नजर है करेक्ट है अब तेलंगाना का कहना यह है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह कहा गया था कि जो हेडक्वाटर एसेट्स है वो जहाँ पे है उनकी लोकलैलिटी के हिसाब से उनका डिविजन होगा जो हेडक्वाटर एसेट का पार्ट नहीं है उनका डिविजन नहीं होगा लेकिन कमेटी ने ये जो आरटीसी है और है जो डीआईएल है इनकी जो वो वाली डिविजन्स थी जो हेडक्वार्टर एसेट का पार्ट नहीं थी उनका डिवीज़न करने की भी रिकमेंडेशन दी इसीलिए तेलंगाना भी गुस्सा है करेक्ट है आंध्र प्रदेश क्यों गुस्सा है क्योंकि कमेटी ने कहा डिवीज़न होगा और आप कर नहीं रहे हो करेक्ट है तो ये वाली चीज अब देखो तेलंगाना क्यों नहीं चाहता है कमेटी की बात मानना क्योंकि 91 वन परसेंट इंस्टीट्यूशन उसके यहाँ पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश क्यों चाहता है भाई अगर कमेटी की बात नहीं मानी हम तो खाली हाथ रह जाएंगे तो अपने अपने फायदे के हिसाब से इंटरप्रिटेशन यहाँ पे चल रही है राइट है फिर उन्होंने ये कहा तेलंगाना इस डिवीजन का अपोज करता है उनका कहना यह है तेलंगाना वालों का कि डीआईएल के द्वारा जो लैंड पार्सल होल्ड किए जाते हैं वो डिवीज़न का मतलब ही नहीं है उनका ठीक है तेलंगाना का भी उनका हम डिवीजन ना करेंगे तो ये वाला था अब आगे देखो इसके बाद होम मिनिस्ट्री क्या कहती है होम मिनिस्ट्री ने ऑफिस ऑफ मेमोर इशू किया था मई दो में वहां पे उन्होंने ये कहा था एक कोई केस है जहां पे एक सिंगल स्टेट अंडरटेकिंग है ठीक है कोई स्टेट अंडरटेकिंग है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोकल एरिया में लोकेट है सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 53 ऑफ री एक्ट ऐसा कहता है तो लोकेशन के हिसाब से बांटने की बात हुई थी ऐसा होम मिनिस्ट्री ने भी एक बार क्लियर किया था तो अब इस चीज को लेकर तेलंगाना क्या स्टैंड रखता है अपना तेलंगाना ये कहता है देखो क्लियर से डेफिनेशन है कि जो हेडक्वार्टर एसेट्स है सेक्शन 53 के है ना उनका जो है डिवीजन कैसे होगा ये रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ है लेकिन वो एसेट और तो लायबिलिटीज़ जो किसी ऐसे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में है जो कि उस पुराने जो कि आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा था उसके अंदर एग्जिस्ट करती थी वो जहां लोकेट करती थी उनके ऑपरेशन अगर कन्फाइन थे किसी लोकल एरिया के तो उस स्टेट को पास कर दिए जाएंगे जिसके में वो एरिया आ जाएगा भले ही उसके हेडक्वार्टर की लोकेशन कहीं भी थी फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी है ए राइट right? ये क्या है कंपनी दिस इज ए अब ये जो कंपनी ए है ये पहले ये पूरा का पूरा क्या था आंध्र प्रदेश था राइट right? तो ये कंपनी ए यहाँ पे थी करेक्ट है अब हमने क्या कर दिया और इस कंपनी ए की कुछ छोटे छोटे डिविजन थे बी सी और डी करेक्ट है अब इसका क्या हो गया बंटवारा हो गया बंटवारा कुछ इस तरीके से हो गया नाउ दिस इज आंध्र प्रदेश दिस इज तेलंगाना करेक्ट है तो देखो आंध्र प्रदेश क्या कह रहा है इनका भी बंटवारा होगा तो इनका भी बंटवारा होगा राइट right है ये तो हेडक्वार्टर है और ये डिविजन है

ओके okay, तो आई थिंक कमेंट सेक्शन में कुछ डिस्कशन चल रहा है सुपर कोचिंग से रिलेटेड मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से जो भी आपका सुपर कोचिंग से रिलेटेड डिस्कशन है ना प्लीज़ जो वीडियो खत्म होकर जो कमेंट सेक्शन आता है ना या तो वहाँ पे कमेंट कर देना क्योंकि ये चैट लाइव चलती है और मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी राइट थोड़ा मतलब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा या तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो तो वहाँ से मैं देख लूंगी या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके लिख दो ठीक है आपके जो भी इश्यूज होंगे मैं उसको टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी राइट है आप मुझे ये बताइए ये जो चीज थी ये समझ में आ गया बंटवारा मामला ये जो घरों का बंटवारा हो रहा है ये समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर इस यहाँ पर देखो अब मान लो कुछ एसेट ऐसे हैं जो आउटसाइड हैं जैसे मान लो क्या है दिल्ली के अंदर एक आंध्र प्रदेश भवन है ठीक है क्या है आंध्र प्रदेश भवन है जो कि कहाँ है दिल्ली में है ठीक है अब ये तो भाई ना तेलंगाना में रहा आंध्र प्रदेश में आ रहा इसको डिवाइड करना चाहिए दोनों स्टेट के बीच में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ठीक है ये जो है सरकार कहती है कि देखो आंध्र प्रदेश भवन दिल्ली में है करेक्ट है आउटसाइड है उसको उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दो जिस जिसकी जैसे ज्यादा पॉपुलेशन है लोगों की वो उस स्टेट में आ जाएगा ये पूरा का पूरा मामला था अब इस पूरे मामले में क्या सेंटर का कोई रोल है बस वो मीटिंग ही करा सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं देखो जो ये एक्ट है ना वाला फाइनली ये फाइनल तो करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो इंटरवीन कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े बट बेसिकली इस तरह के इशू बहुत ही होते हैं तो बातचीत से सुलझाने की कोशिश सेंटर की रहती है ताकि स्टेट पॉलिटिक्स में जो है उनके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए लेकिन एक्ट जो है ये पावर देता है नाउ इस पूरे पैराग्राफ में ओनली दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट इसीलिए मैंने हाईलाइट की है कि जो एक्ट होता है रीओ क्योंकि देखो राज्यों का बंटवारा हो रहा है कुछ चीजें हो रही है फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दी हुई है यूनियन को बिकॉज इंडिया भारत है ना भारत दैट इज इंडिया इज अन ऑफ स्टेट राइट तो स्टेट का इधर उधर जो बंटवारा हो रहा है उसको लेके फाइनल इम्पावरमेंट यूनियन के पास है वो इंटरवीन कर सकते हैं तो अभी मामला ऐसे कैसे चल रहा है समझ में आ गया एक ही आर्टिकल को समझाने में काफी टाइम लग गया ना ठीक है यस ये डेली बेसिस पे होती है क्योंकि दिस इज न्यूज़पेपर का एनालिसिस न्यूज़पेपर रोज आता है करेक्ट है चलो चलो दू, दूसरा आर्टिकल देखते हैं जल्दी-जल्दी आरबीआई ने क्या किया है लॉकरस के मैनेजमेंट को लेके गाइडलाइन ले रिवाइज कर दी वेरी इजी बहुत क्विक पढ़ाने वाली हूँ, कोई नहीं कहेगा मैम जल्दी पढ़ा दिया बहुत आसान है देखो सेफ्टी ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो कि डिपॉजिट लोकर होते हैं बैंक में आरबीआई ने एक लिस्ट ऑफ रिवाइज गाइडलाइन जारी की है ये जो गाइडलाइन जारी की है अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केस था अमितबा दास गुप्ता वर्सेस यूनियन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तो दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे उन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखे आर बी ने न्यू गाइडलाइन दी है क्या केस था भाई ये दास गुप्ता वाला देखो दास गुप्ता ने ये कहा जो बैंक है जी उन्होंने मेरा लोकर तोड़ दिया ठीक है मेरे उसमें सामान रखे हुए थे और ये लोकर जो बैंक ने तोड़ा इस बात पे तोड़ा कि मैंने जो है लोकर के लिए जो पेमेंट देनी थी उन्नीस से लेके चौरानवे के बीच में वो दी नहीं थी तो यहाँ पे बैंक ने माना कि हाँ भाई गलती से हमसे जो है लोकर टूट गया है तो चलो उन्होंने सॉरी भी बोल दिया लेकिन फिर दासगुप्ता जी ने कहा मैंने दिए थे भाई टोटल सेवन ऑर्नामेंट रखने के लिए लोकल टूट गया आपने मुझे वापस किए सिर्फ दो है ना भाई मेरे बाकी के पांच किधर है मेरे गहने चोरी हो गए बैंक के लॉकर में से गहने चोरी हो जाएंगे तो फिर किधर सेव रखेंगे उनको राइट ख्याल फाइनली जो भी मामला हुआ जल्दी से समझो कोर्ट ने ये कहा भाई जो बैंक है उसको दासगुप्ता को कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्नामेंट मिस तो हुए हैं राइट right? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा देखो भाई लॉकर्स को लेकर एक जैसी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है करेक्ट है इन गाइडलाइंस को लेकर आओ नहीं तो इस तरह के मामले जो है आते रहेंगे आरबीआई ने कहा जी हजूर लेके आते हैं आपने कह दिया ऐसे कैसे नहीं होगा ठीक है तो अब देखो बैंक क्या कह रहा है अब अब जब किसी को आप लोकर अलोकेट करोगे तो एग्रीमेंट आपको एक करना पड़ेगा कस्टमर और बैंक के बीच में यहाँ पे लोकल की सेफ्टी के बारे में इसके मैनेजमेंट के बारे में रेंट कलेक्शन के बारे में अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है उसकी वेरिफिकेशन के बारे में कंटेंट को रिवील करना है इन सारी चीज़ों के बारे में सारे जो है स्पेसिफिक प्रोविजन रहेंगे बिल्कुल क्लियर क्लियर यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली आप एक डिपॉजिट भी ले सकते हो जब आप अलॉटमेंट कर रहे हो कंज्यूमर को और तीन साल का जो रेंट होता है है ना उतना जो है आप ले सकते हो फिर अगर लॉकर को तोड़ना पड़ जाए उसके चार्ज भी आप ले सकते हो ठीक है फिर यहाँ पे बताया अगर मान लो किसी बैंक का किसी दूसरे बैंक से मर्जर हो रहा है या बैंक कहीं और शिफ्ट हो रहा है या बैंक की जो है बैंक ही मतलब दिवालिया हो गया मतलब बैंक ही दिवालिया हो गया राइट तो अगर ऐसा हो रहा है कुछ कि बैंक बंद हो रहा है तो आपको जो है और उस सब चीजों की वजह से क्या है कि फिजिकल शिफ्ट हो रहा है का राइट तो आपने क्या करना पड़ेगा दो अखबारों में कम से कम नोटिस देना पड़ेगा कंज्यूमर्स को बताने के लिए और भैया दो महीने पहले से देना पड़ेगा ठीक है ता, और साथ में कंज्यूमर को ऑप्शन भी देना पड़ेगा कि आप अगर चेंज करना चाहते हैं रिलोकेट करना चाहते हैं तो कर लो ठीक है किसी भी सर्कमस्टांस में नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कोई भी सिचुएशन में बैंक जो लोकर के अंदर चीज रखी है उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता एक बात बताओ बैंक के लॉकर का ही काम है चीज़ों को सेफ रखना राइट और बैंक उसी पे कहे कि इंश्योरेंस ले लो अगर खो गया तो हम भरपाई करेंगे तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉकर करेक्ट मतलब बैंक के लॉकर में सामान रखा है और बैंक कहे कि सर एक काम कीजिए कल को कुछ भी हो सकता है आपने इसमें एक इंश्योरेंस ले लीजिए मतलब दिस इज वेरी फनी तो और आपने इंश्योरेंस ले भी लिया राइट और फिर कल को कोई चीज़ खो जाए तो मतलब लॉकर में ठीक है तो मतलब लोकर का पोवज़ क्या हुआ तो खैर यहाँ पे आर ने कहा भाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप नहीं भेज सकते मतलब तो ये चालाकी नहीं चलेगी ठीक है चलिए ये हो गया इसके अलावा कस्टमर्स के लिए नया क्या है देखो आर ने कहा है अगर आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला है राइट तो आपको प्रॉपर सेफ गार्ड करने पड़ेंगे जिससे उसकी सिक्योरिटी का ब्रीच ना हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक वगैरह करना चीजों का ये हो जाता है दूसरा क्या है अगर किसी क्लाइंट से अपना पासवर्ड खो जाता है जैसे मैं अपने सारे पासवर्ड भूल जाती हूँ हमेशा भूल जाती हूं, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देना पड़ेगा कि न्यू पासवर्ड को जो है दिया जाए फिर कस्टमर को आपको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा अगर कस्टमर से चाबी खो गई है राइट तो उसको बैंक को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझसे चाबी खो गई है फॉर एक्साम्पल मैंने अपने फ्लैट की चाबी खो दी थी मिल गई थी हाँ चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए इसके अलावा बैंक जो है उसको तोड़ सकता है करेक्ट बस इसमें क्या करना पड़ेगा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर को देनी पड़ेगी कस्टमर को देनी पड़ेगी देखो जी तीन साल हो गए रेंट नहीं दिया आपने बहुत हो गया अब आ जाओ या तो पैसा भर दो साथ में जुर्माना भर दो तो ठीक है नहीं तो एक हफ्ते के अंदर आपका लोकर तोड़ देंगे ये जो है अब रहेगा राइट ठीक है क्लियर हो गया चलिए अब ये समझ में आ गया अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो उसको थोड़ा सा समझते हैं हालांकि आसान है बट स्टिल द यूनियन गवर्नमेंट सेंड्स आउट अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लुएंस देखो अभी दरअसल तमिलनाडु की सरकार ने एक दिन उनकी आंख खुली और उनको सपना आया ये जो हम अपनी हर नोटिफिकेशन में लॉज में अपनी सारी सरकारी कार्रवाई में सेंटर वर्ड यूज कर रहे हैं दिस इज नॉट राइट क्योंकि सेंटर का मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन पावर दिखाता है सेंटर का हमारे ऊपर एक सुपीरियर हाथ दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेंटर वर्ड कहीं यूज ही नहीं हुआ है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनियन की बात करता है बस ठीक है अब से सेंटर वर्ड यूज करना बंद और हम यूनियन वर्ड यूज करेंगे और वो उठे उन्होंने ऐसा कर दिया ठीक है है ऐसा जो उन्होंने कर दिया तो देखो ने सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म को यूज करना बंद कर दिया है अपने सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में और उसको रिप्लेस कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट से अब आपको लगेगा इससे क्या ही हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करो या यूनियन गवर्नमेंट यूज करो दिस इज द सेम थिंग नो दिस इज नॉट अ सेम थिंग वाई कॉन्स्टिट्यूशन फादर जो हमारे थे उन्होंने कुछ सोच के ही द वर्ड सेंटर कहीं भी पूरे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया था उन्होंने बात ही क्या लिखी भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का में एक संघ है राज्यों का केंद्र नहीं है राइट हमें केंद्र नहीं है जिससे वो सारे राज्य अपनी पावर लेते हैं और चलते और उनको पूरा का पूरा नचाते हैं अपनी उंगलियों पे मतलब इन रियलिटी थिंग्स कैन बी डिफरेंट बट फिर भी ठीक है तो हम क्या है एक यूनियन है हम कंबाइन रखते हैं राज्यों को इसके पीछे का मकसद भी ये था कि देखो जब भारत आजाद होने वाला था कुछ लोगों की मांग उठी कि राज्यों को ज्यादा पावर दी जाए प्रोविंसेस को जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था जब एक प्लान वो लेकर आए थे और सेंटर को लिमिटेड पावर दी जाए बट क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और हमारे पटेल और जो बी आर अम्बेडकर जी है इन सब फाउंडिंग फादर्स और बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे ये मानना था देखो जम्मू कश्मीर में वायलेंस चल रहा था 1947 भारत आजाद हुआ है ना? बाकी स्टेट की भी पूरे पूरे चांसेस थे कि एक मौका मिले हम जो है भैया अपना अलग राज्य बना लेंगे हर कोई इसी ताक में था कि कैसे जो है भारत टूटे इसके छत्तीस राज्य बने और वो छत्तीस अलग जगह पे जो है आराम से रहे कोई और आए उनको नियंत्रित कर ले भारत को एक रखना था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ये जो अखंड भारत अखंड भारत हम करते हैं ना ये एक दिन में नहीं हुआ बहुत इसके लिए हमारे लीडर्स की सोच विचार मेहनत दूरदर्शिता लगी है करेक्ट है तो हमने क्या बोला नहीं जी देखो ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर्स तो देने पड़ेंगे ठीक है कि भैया अगर स्टेट ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारे भारत से बाहर निकलने के लिए उनको रोका जा सके तो राज्यों की बाउंड्री को लेकर

क्या करना चाहिए क्योंकि द वर्ड सेंटर इट्स जो हमें जो एक हिंट देता है वो बड़ी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का देता है और सच बात तो ये है कि राज्यों के ऊपर थोड़े बहुत पावर्स दिए गए हैं सेंटर को एमरजेंसी जैसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए लेकिन इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है केंद्र को भी और कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है स्टेट्स को भी और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई स्टेट्स की पावर छीन नहीं सकता है राइट right है तो इसीलिए हम क्या एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमें एक भाईचारे वाला स्ट्रक्चर है हम पावर को शेयर करते हैं ठीक है इमरजेंसी के टाइम पर हम कन्वर्ट हो जाते हैं है ना टूवर्ड्स यूनिटरी जो है सिस्टम की तरफ लेकिन इन जनरल वी आर अ फेडरल सिस्टम करेक्ट है तो ये तो इसका क्या है एक सार था आर्टिकल का दैट इज एसेंस था भाई जैसे जीवन का सार होता है ना तो जीवन के सार की तरह ये आर्टिकल का सार था ठीक है चलो तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियसनेस थी उसको हम रीगेन कर रहे हैं वापस अडॉप्ट कर रहे हैं ठीक है उन्होंने ये कहा देखो आर्टिकल वन पूरे संविधान का सबसे पहला आर्टिकल ही क्या कहता है इंडिया डेट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट करेक्ट है उन्होंने ये कहा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे के पूरे 395 आर्टिकल्स ट्वेंटी टू पार्ट और एट शेड्यूल जो थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है ठीक है कहीं भी यूज नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल ये वर्ड यूज नहीं किया है एक बस एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने कहा भाई एक एक्ट है उसमें ये दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या जितने भी ऑफिशियली प्रैक्टिकल ये काम हो रहे हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो भी ऑफिशियल काम हो रहे हैं जो प्रेसिडेंट है बेसिकली ठीक है उन्होंने ये कह दिया तो यहाँ पे अब वो आगे कह रहे देखो जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी एक बेसिकली एम एंड ऑब्जेक्ट लेकर आए असेंबली के लिए कि भारत को क्या बनाना है भारत को बेसिकली एक यूनियन ऑफ टेरिटरीज बनाना है तो हमें उसके क्या करना है इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक बनना है तो एम्फेसिस ये था कॉन्सोलिडेशन हो पाए है ना जो हमारे वेरियस प्रांत हैं टेरिटरीज है और एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री बने क्या था एक बेसिकली स्ट्रांग भी नहीं एक यूनाइटेड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बहुत जरूरी था क्योंकि अंग्रेज पूरा काम करके गए थे कि भारत टूटेगा और उनको ये साबित करना था इंटरनेशनल लेवल पे देखो हम थे जिसने इस देश को संभाल रखा था हम आए इनसे ये देश ने संभला पूरे विश्व में बहुत कम लोगों को ट्रस्ट था कि इंडिया एज अ डेमोक्रेसी एज अ कंट्री सक्सेसफुल हो पाएगा हमने ये साबित करके दिखाया है राइट और अब जाके परसेप्शन बदलना शुरू हुआ है भारत के प्रति अदरवाइज स्टार्टिंग में लोगों को ये लगता था कि कास्ट के बेस पे लैंग्वेजेस के बेस पे है अपने कल्चरल बेसिस पे ये फूट के मर जाएंगे

हमें रियालाइज कराया कि हमारी जरूरतें क्या हैं राइट अभी हमारी जरूरतें क्या हैं तो हमने अपनी अप्रोच को रिवाइज कर लिया और हमने फाइनली किस चीज का फेवर किया एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का हमने फेवर किया राइट यहाँ पे हमने क्या कहा जो यूनियन होगा वो इनडिस्ट्रक्टेबल होगा हमारा फेडरल कैसा है जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टेबल है हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है यानी कि भारत एज अ यूनियन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो स्टेट है भारत के अंदर उनमें से आप काट के दो बना सकते हो दो को जोड़ के एक बना सकते हो बाउंड्री चेंज कर सकते हो नाम चेंज कर सकते हो कर सकते हो राइट है हमने कितना ज्यादा चेंजेस किए भी है आंध्र प्रदेश से देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना दिया देखो प्रॉपर्टी पे लड़ रहे हैं अभी दोनों है ना भाइयों की तरह भाई लड़ते हैं ना प्रॉपर्टी पे ठीक है तो ऐसे खैर बैक टू द टॉपिक फिर यहाँ पे आ जाओ यूनियन जो तो है एडवाइस किया गया था ताकि जो बेसिकली स्टेट्स हैं, वो एक सेशन का सेशन का जो एक राइट right अपने पास रखना चाहते हैं कि हम निकलना अगर चाहें तो हम भारत से निकल सके उसको नेगेटिव करना था नेगेट करना था ठीक है कि किसी स्टेट के पास ये राइट right नहीं होगा कि वो सीज कर सके भारत से ठीक है इसलिए हमने क्या किया फेडरेशन बना दिया क्योंकि यूनियन है हमारा इंडस्ट्रक्टेबल लेकिन हमें क्रिटिसिजम भी फेस करना पड़ा कुछ लोगों ने कहा बी आर अम्बेडकर जी आप ज्यादा ना होशियार बन रहे हो इस होशियार बनने की जरूरत नहीं है उसमें से एक थे मौलाना हसरत मोहानी मौलाना हसरत मोहानी ने बहुत फ्योर से स्पीच दी ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एकदम

तो देखो शेयरिंग ऑफ पावर हमारा इतना फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना सिर्फ यूनियन स्टेट के बीच में बल्कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें भी हम शेयरिंग ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट ही काम करते हैं हमारी जो हाईएस्ट जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है टाट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके अंडर भी हमने हाई कोर्ट को बेसिकली नहीं रखा है हाई कोर्ट का जो एपलेट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं माने जाते हैं राइट ये वर्ड कहीं पे यूज नहीं हुआ है कि बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का हाई पे होगा ये वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ अपीलेट हाँ, है ये वर्ड यूज हुआ है ठीक है ना केवल हाई कोर्ट बल्कि जो कोई दूसरा कोर्ट है या जो कोई ट्रिब्यूनल है वो भी बेसिकली नीचे नहीं आता है लेकिन उनको किसी को भी हमने उसके सब ऑर्डिनेट डिक्लेयर नहीं किया है हालांकि हमारे पास तो हाई कोर्ट को ज्यादा पावर्स मिले हुए पावर्स है कुछ मामलों में फर्स्ट वो ज्यादा मामलों पर रिट कर सकते डू यू रिमेम्बर जस्ट अ सेकेंड ओके तो आपको क्या याद है कि जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए ही जारी कर सकता है बट हाई कोर्ट जो है वो और चीजों के लिए भी रिट जारी कर सकता है One thing, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के सब ऑर्डिनेट नहीं है हाई कोर्ट बट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट आते हैं तो यहाँ तो उल्टा हाई कोर्ट को हमने ज्यादा पावर दे रखी है दूसरा उन्होंने ये कहा जब जब झगड़ा होगा तब तब पार्लियामेंट जो है प्रिवेल करेगी ठीक है अगर कोई भी झगड़ा होगा हमने बस ये बंदोबस्त कर दिया क्योंकि आज का भी टाइम अगर देखो ना पॉलिटिक्स इज अ इज अ डिजीज समटाइम्स तो देश वेश के बारे में कोई नहीं सोचेगा हर किसी को लगेगा मुझे अपने राज्य का राजा बनना है राइट तो उसका बंदोबस्त हमारे फाउंडिंग फादर करके गए लेकिन फिर भी वो ये भी बंदोबस्त करके गए कि स्टेट स्लेव्स नहीं है सेंटर के राइट प्रॉपर जो है मैकेनिज्म रखा गया तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो टेंडेंसी है है ना पावर को सेंट्रलाइज करना वन यूनिट के अंदर ये ठीक नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा नहीं गया था और फाइनली वो आर्टिकल एंड करते विद अ वेरी फेमस कोर्ट विद अ वेरी गुड लाइन जो आप याद कर सकते हो नानकी जो पालकी वाला थे उन्होंने फेमसली कहा था कि देख लो ओनली सेटिस्फैक्ट्री एंड लास्टिंग सोलूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज टू बी फाउंड इन द दिसज बुक बट इन दिस कॉन्शियस ऑफ मैं इन पावर उन्होंने कहा देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा ना वो कानून की किताबों में नहीं होगा वो उस व्यक्ति के अपनी कॉन्शियंस में होगा जो उस टाइम पावर में बैठा हुआ है वही सॉल्यूशन निकालेगा क्लियर हो गया भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था अरे बाबा एपिलेट जोरिस्टिकेशन तो है सब का मतलब ये है होता है कि जैसे हरार की होती है बॉस है बॉस के नीचे इंप्लॉयज होते हैं करेक्ट है वैसे द वर्ल्ड सॉब ऑर्डिनेशन ये यूज नहीं हुआ है हाईकोर्ट की अपनी अथॉरिटी होती है जब तक किसी मामले पर कोई अपील uh, ना डालनी हो या फिर कोई कानून की गलती ना हो रही हो राइट या फिर कोई स्पेशली पिटिशन ना डाल रहा हो तब तक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं ठीक है क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट चलते है ना अब हमारा आर्टिकल है लेसन फ्रॉम द रशिया यूक्रेन वॉर ठीक है तो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल है थोड़ा सा देखो एक बार जो विंस्टर चर्चिल है उन्होंने 1939 में ये कहा था कि रशिया एक मिस्ट्री के जैसे है और उनके जो वर्ड्स है ना वो एक्चुअली आज तक ऐसे के ऐसे ही लागू होते हैं क्योंकि देखो दस महीने हो गए हैं जब रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया था है ना और आज तक ये समझने की सब कोशिश ही कर रहे हैं कि मिस्टर पुतिन की एक्चुअल इंटेंशन है क्या भाई करना क्या चाहते हो है ना दिस इज द क्वेश्चन राइट तो उन्होंने कहा देखो वॉर से पहले युद्ध से पहले मिस्टर पुतिन ने अपने चारों तरफ और रशिया एज अ कंट्री के चारों तरफ एक ओरा ऑफ पावर क्रिएट किया

तो एक पावर का और उन्होंने क्रिएट किया ठीक है अब देखो लेकिन ये जो बैटल फील्ड में सेटबैक मिल रहे हैं यूक्रेन के अंदर रशिया को ये एक स्लिप दिखाते हैं उस पावर के और से ठीक है लोगों को ऐसा लगता है कि जब युद्ध शुरू हुआ था अरे पांच दिन में जीत लेगा रूस इसको बट देखो अभी तक भी वॉर चली रहा है राइट और कुछ सेटबैक्स से भी हैं करेक्ट है

उसने क्या किया बेसिकली पूरे वर्ल्ड को क्या है Dominate किया। लेकिन फिर हुआ क्या हमें अमेरिका का ये जो यूनिलिज्म है इसमें कुछ साइंस ऑफ जो है दिखाई दिए जो शायद उसकी पावर डिप्लीट हो रही है कैसे देखो उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में जिस जिस वॉर में हाथ डाला वो युद्ध उस तरीके से नहीं हुआ जैसे अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया होगा राइट यूएस अफगानिस्तान और इराक में इतनी बुरी तरह फंसा कि फाइनली एक ह्यूमिलेशन जैसा उसको जो है वहां से निकलना पड़ा बिना कुछ अचीव हुए राइट ठीक है उसके बाद देखो रशिया जो है मोर अग्रेसिव बन गया ठीक है ईरान जो है और अमेरिका को लेके तवज्जो देनी बंद कर दी चाइना मोर पावरफुल बन गया उसके बाद देखो ये चेंजेस हमें देखने को मिले पुतिन जी ने एक डिसीजन ले लिया कि नाटो का एक अलाई है उसके पास हम भेज देंगे अपनी सेना इसको चाहे इसमें रशिया का जो भी आउटकम रहे लेकिन इस मूवमेंट को ट्वेंटी सेंचुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि बेसिकली युद्ध ही कर दिया राइट है अमेरिका से कोई ऐसे डरा नहीं कि भाई अमेरिका कहता था अगर हमारे नेटो को के दोस्तों को कोई कुछ कहेगा तो हम छोड़ेगी नहीं वैसा कुछ तो हुआ नहीं करेक्ट है तो देखो ये जो अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड जिसको वो रूल बेस्ड वर्ल्ड के नाम से कहते हैं तो इसमें बेसिकली अब एक सिस्टमेटिक चैलेंज मिल रहा है कहाँ से रशिया और चाइना की तरफ से ठीक है अब देखो ग्रेट पावर्स की जो शेपिंग्स होती है बेसिकली यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं जो भी स्मॉल स्मॉल पावर्स थे जब जब उनके झगड़ों में बड़ी पावर्स पड़ी है एक्चुअली आउटकम कुछ खास आया नहीं है जैसे चाहे वियतनाम में इंटरवेंशन हो यूएस का चाहे उनका इन्वेजन हो अफगानिस्तान में चाहे सोवियत अफगानिस्तान में गया था कुछ नहीं हुआ बेसिकली यही पता चलता है स्मॉल थिएटर्स में ग्रेट पावर्स स्टक कर गए थे राइट है लेकिन इससे क्या है किसी ने कुछ नहीं सीखा सब यही करते रहे और यहाँ पे रूस ने भी मिस कैलकुलेट किया यूक्रेन की पावर को ठीक है देखो उन्होंने कहा यूक्रेन के लिए सबको ये लगता था कि जल्दी हार मान जाएगा बट यूक्रेन नेशनलिज्म जिसको रशिया के राष्ट्रपति कुछ मानते ही नहीं थे वो एक्चुअली जीत रहा है यूक्रेन को इनिशियली बस एक बार रेसिस्टेंस दिखानी थी एक बार दिखाना था कि वो खड़े हो सकते हैं उसके बाद वेस्ट ने उनको रॉकेट सिस्टम हो ठीक है पैसा हो कुछ गोला बारूद गन हो इंटेलिजेंस हो सबसे हेल्प किया और अब यूक्रेन एक अखाड़ा बन गया है जहाँ पे वेस्ट और रशिया आपस में लड़ रहे हैं ठीक है ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस सबसे चीन को क्या मिल रहा है देखो द ड्रैगन इन द रूम ये जो टेंशन थी यूएस और चीन के बीच में ये बढ़ती जा रही है क्योंकि यूएस बार बार कहता है ताइवान के ऊपर अगर अमेरिका ने कुछ भी किया हम जो है साथ खड़े ने पेलोसी वाला किस्सा हम सबको याद है तो इसके बाद देखो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर यूक्रेन में हमने रशिया के प्रेसिडेंट को हरा दिया रशिया को हरा दिया तो चीन को भी तमीज़ आएगी कि देखो आप ऐसे पंगा नहीं ले सकते लेकिन अगर पुतिन जीत गए तो चीन को इससे क्या है बहुत बढ़ावा मिलेगा चीन और रशिया के बीच में यूस के टाइम पे कुछ गैप्स थे जिनका फायदा अमेरिका ने उठाया था लेकिन आज वो एक बहुत अच्छी दोस्ती में है एक लिमिटलेस जो है फ्रेंडशिप में वो दोनों हैं और देखो अब अगर वो एक स्ट्रॉन्ग यूरेशियन अलायंस बना लेते हैं जो पहले कभी रोक लिया था तो देखो जो मिस्टर शी जिनपिंग है और मिस्टर पुतिन है वो एक नो लिमिट रिलेशनशिप को अपने बूस्ट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे फिर वो ये कहते हैं कि देखो अभी यूएस क्या कर रहा है चाइना के अफगानिस्तान से बाहर निकला था क्यों क्योंकि उसको लगता था बहुत रिसोर्सेस खर्च हो गए आउटकम कुछ नहीं निकला चीन जो है निकल कर सामने आ रहा है हमें उसको काउंटर करना है बट मामला कुछ ऐसा उलझा यूएस को अपनी सारी रिसोर्सेज लगानी पड़ गई यूक्रेन वाले युद्ध में अब ये समय बताएगा जितनी भी यूएस ने अपनी रिसोर्सेस एनर्जी यूक्रेन में खर्च की रशिया के खिलाफ क्या उसने ड्रैगन को खुला छोड़ दिया था क्या चीन को उन्होंने कम आका क्या उनको अपने जो है रिसोर्सेस चीन के लिए बचा के रखने चाहिए थे ये जो है समय बताएगा तो एक नया जियो पॉलिटिक्स ऑर्डर हमें जो है देखने को मिल रहा है ठीक है क्लियर हो गया ठीक है क्लियर हो गया अब जल्दी से ना ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं क्लास का टाइम हो गया मुझे वो आ चुका है तो देखो सत्रवा प्रवासी भारतीय दिवस ठीक है ये पीएम ने इनोग्रेट किया कहा इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश में तो यहाँ पे देखो प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार हमने 9 जनवरी 2003 को सेलिब्रेट किया था 2015 में हमने इसका फॉर्मेट बदल दिया 2015 में हमने इसका फॉर्मेट बदल दिया इसको जो है दो साल में एक बार कर दिया ठीक है बाहर से मेरे को लगातार नौकरी है ये पिक्चर मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे तो देख लेना ठीक है सिग्निफिकेंस क्या है इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे ठीक है ये हो गया फिर तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो देखिए गिरमटिया अरेंजमेंट से ये पूरा का पूरा माइग्रेशन लोगों का शुरू हुआ था ठीक है प्लांटेशन के लिए ब्रिटिश जो है भारतीयों को लेके जाते थे पहली वेव यही थी दूसरी वेव कब आई जब लोग सिंगापुर और जो है मलेशिया के फॉर्म्स में काम करने गए तीसरी चौथी वेव आई तब जो है लोग गल्फ और वेस्ट एशियन कंट्रीज में जाने लगे ऑयल बूम के लिए फिर ये कुछ है 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 समझाने का नहीं आई शेयर ठीक है? फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं देखो क्लास का यार टाइम हो गया है ठीक है प्रवासी देखिए यहाँ पे जो है सेम प्रवासी भारतीयों को लेकर 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था इसको पढ़ोगे और ये जितना भी मैंने यहाँ पे डाटा दिया है इसको यूज करके इसका आंसर कर पाओगे ठीक है दूसरा भारत और रूस रक्षा समझौतों की तुलना तो में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था एंड देन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये क्वेश्चन है पीपीटी शेयर कर दूंगी प्लीज टेलीग्राम पे वहां से देख लेना ये प्राची मैम टेस्ट बुक करके टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से ले लेना बाकी थैंक यू सो मच ठीक है क्लास खत्म होती है बब